नमस्कार, मैं विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं बीएचबीसी न्यूज़। 8 दिसंबर सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ है कि पिछले 5 वर्ष के दौरान देश के 10 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के 27 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। इस अवधि में आईआईटी मद्रास के सर्वाधिक 7 विद्यार्थियों ने अपनी जान देने का कदम उठाया। प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया कि उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। गौड की आरटीआई अर्जी पर 2 दिसंबर को भेजे जवाब में बताया है कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच आईआईटी मद्रास के 7, आईआईटी खड़गपुर के 5 और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद के 3-3 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। पिछले 5 वर्षों में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की के 2-2 विद्यार्थियों ने खुदकुशी की। इस अवधि में आईआईटी कानपुर, वाराणसी स्थित आईआईटी बीएचयू और आईआईटी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के एक विद्यार्थी ने जान दी। बहरहाल आईआईटी विद्यार्थियों की आत्महत्या के कारणों के बारे में आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। देश के आईआईटी संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटना रोकने के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर आरटीआई कार्यकर्ता को बताया गया कि इन इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्र छात्राओं की शिकायतों पर जांच के बाद कार्रवाई के तंत्र बनाए गए हैं। इनमें विद्यार्थी शिकायत शाखा, अनुशासन समिति, परामर्श केंद्र आदि शामिल हैं। इस बीच गरीब तबके के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा की कोचिंग देने वाले पटना स्थित मशहूर संस्थान सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्र छात्राओं की आत्महत्या के मामले पर चिंता जताई है। कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा है कि मौजूदा हालात में आईआईटी संस्थानों में विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया स्वरूप बदले जाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया में नवाचारी मेधा वाले विद्यार्थियों को तरजीह दी जानी चाहिए जो जीवन के अलग अलग दबाव झेलने में सक्षम हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आईआईटी संस्थानों में विद्यार्थियों की तादाद के अनुपात में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए ताकि वे हर एक छात्र छात्रा पर समुचित ध्यान दे सकें। इसके अलावा गैर अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में पढ़कर आईआईटी पहुंचे विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। देश भर में फिलहाल 23 आईआईटी चल रहे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर, पटना, जोधपुर, भुवनेश्वर, गांधीनगर, रोपड़, मंडी, तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, गोवा, धारवाड़ के आईआईटी संस्थानों में गुजरे 5 वर्ष के दौरान किसी भी विद्यार्थी की आत्महत्या की एक भी घटना नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बीएचबीसी न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।